dental surgeon currently working in Patel Hospital. Oral health day ke upalaksh mein aap sab se oral health ke regarding kuch information share karna chahungi. Sabse pehle hum ye jaan lete hain ki hamari oral health ke andar kaun kaun se parts involve hote hain. Oral health ke andar hamare teeth, gums, hamari lips, hamare cheeks ka andar wala part aur hamare gale ka starting wala area, ye sara hamari oral health ke andar aata hai. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर के इंजन को कैलोरीज की आवश्यकता होती है जो कि हम भोजन के द्वारा शरीर को देते हैं. अगर हमारी ओरल हेल्थ सही नहीं है तो उसमें आप जितना मर्जी स्वस्थ भोजन ले लीजिए, आपके शरीर के लिए वो कोई उपयोगी नहीं रहेगा. इसलिए ओरल हेल्थ का उतना ही सही रहना जरूरी होता है जितना कि हमारी जनरल हेल्थ का. तो सबसे पहले बात करते हैं ओरल हेल्थ हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करती है. तीन प्रमुख काम है हमारी ओरल हेल्थ के. फर्स्ट इज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द च्यूइंग. खाना खाते हुए हमें बोलना नहीं चाहिए. उसका एक प्रमुख जो उसका कारण है वो ये कि जब हम खाना चबाते हैं तो हमारे मुंह में जो मौजूद हमारा सलाइवा, हमारी लार होती है, हमारा खाना उसके साथ प्रॉपरली मिक्स होके फिर अंदर जाता है. जब हमारा खाना हमारी लार के साथ मिक्स हो रहा होता है उसी समय हमारा पेट खाने को पचाने के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं उनको निकाल के पाचन क्रिया स्टार्ट करने के लिए रेडी होता है. इसीलिए अगर किसी भी कारणवश आप खाना प्रॉपरली नहीं चबा पा रहे, या तो आपके मुंह में कोई दांत की कमी है या दांतों में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी की वजह से अगर आप खाना प्रॉपरली ना चबा के ऐसे ही अंदर ले जा रहे हैं तो आपकी पूरा उसका इफेक्ट आपकी पाचन क्रिया पे पड़ता है. सेकेंडली अगर हम बात करें ओरल हेल्थ के बेनिफिट्स की तो सेकेंड उसका होता है स्पीच में. बहुत से ऐसे शब्दों का उच्चारण हम लोग अपनी जीभ, दांत और ऊपर वाली तालू की मदद से करते हैं. अगर आपके दांतों के बीच में गैप है या किसी कारण आगे के दांत मिसिंग हैं या दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जो आप प्रॉपरली जिनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे. तो दांतों का और हमारी ओरल हेल्थ का हमारी स्पीच में भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है. थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी इज द स्माइल. अगर आपकी ओरल हेल्थ प्रॉपर नहीं है, आपके दांत प्रॉपरली अलाइन नहीं है, क्लीन नहीं है, तो वो डायरेक्टली आपकी स्माइल एफिशिएंसी पे इफेक्ट डालते हैं. स्माइल क्योंकि हर किसी की एक स्पेशल स्माइल होती है और उसी से हम पहचाने जाते हैं. तो अगर और जो आपकी स्माइल है वो आपको साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी आपको सिस्टमिकली आपकी जनरल हेल्थ में को प्रमोट करने में हेल्प करती है. तो सबसे इजी टू यूज, इजी टू मेंटेन, इजी टू फॉलो टिप है ब्रशिंग योर टीथ. सबसे आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना चाहिए. ज्यादातर लोग अगर आप भी अपने आप से पूछें तो आप लोग सुबह उठ के ब्रश करते हैं. देखिए ये आदत कम्प्लीटली गलत है. सो हम बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं हम ब्रश करते क्यों हैं, हम ब्रश इसीलिए करते हैं कि जो हमने अभी लेटेस्ट अभी हमने जो खाना खाया है, जो हमारे दांतों पे जिसकी परत जम गई, हमें उसको क्लीन करना है. आप सुबह उठ के नींद से उठते ही ब्रश कर रहे हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है. सो आइडियली आपको नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए. अगर आप दिन में खाने के बाद ब्रश कर सकते हैं That is well and good. Or you can follow, use mouthwash after that. अगर आप working हैं, आप mouthwash brushing नहीं कर पा रहे हैं, तो आप mouthwash use कर सकते हैं. And for sure after dinner, it should be after dinner, if not before going to bed. Secondly, एक healthy और balanced diet आपको लेनी है. बहुत से ऐसे हमारे food हैं जो कि हमें हमारी oral health को promote करते हैं, जैसे कि salad, ऐसे roughage वाली vegetables, cucumber. क्यूकम्बर आपको बैड ब्रेथ से फाइट करने में हेल्प करता है. कैशूज, चीज, ये जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये आपको आपके दांतों को कैविटीज से बचाते हैं. थर्डली बहुत सी आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, जैसे कि स्टिकी फूड, कुछ मिठाइयाँ, कुछ कैंडीज जो बहुत स्टिकी होती हैं, इसका कम से कम आप यूज़ कीजिए. चाय, कॉफ़ी, एल्कोहल, तम्बाकू, इन सब चीज़ों का भी आपको सेवन कम से कम कोशिश कीजिए कि इसको अवॉइड ही आप करें. उसके अलावा हर 6 महीने में आप अपने डेंटिस्ट को जरूर विजिट कीजिए. छोटी सी कैविटी या कीड़ा भी आपके दांत में लग रहा है, अगर वो आपको इनिशियल स्टेज में ही पता लग जाए तो एक नॉर्मल फिलिंग से हम उसको बचाया जा सकता है. अगर इससे पहले कि वो ज़्यादा खराब होके दांत निकालने या दांत के अंदर नसों का इलाज और दिक्कतों से बचने के लिए,
तो हर छह महीने में आप अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट कीजिए आपकी ओरल हेल्थ स्कैनिंग के लिए. इसके अलावा महीने में एक बार आप घर पे अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें. उस सेल्फ एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, अपना मुंह खोल के शीशे के सामने सिर्फ ये चेक करना है कि क्या आपके दांतों में किसी भी तरीके का कोई कालापन या किसी तरीके का कोई इनिशियल कैविटी आ रही है, आपके जीभ गालों पे या होठों पे किसी भी तरीके का कोई घाव बन रहा है. तो इन सब चीजों को आप खुद ही अपने घर पे सेल्फ पहले एग्जामिन कर सकते हैं. उसके बाद आप अपने किसी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं. जो ओरल हेल्थ है आपको स्वस्थ जीवन जीने में प्रमोट करती है, इसलिए मुंह के स्वास्थ्य पर आप अपने आप स्वास्थ्य पर गर्व कीजिए, उसका ध्यान रखिए और उसका प्रॉपरली रखरखाव कीजिए. थैंक यू सो मच.